अर्निंग फंडा में। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे चैनल पर हमारे स्कैनर पावर ऑफ प्राइस एक्शन से रिलेटेड डेली की परफॉर्मेंस वीडियो हम अपलोड करते हैं, एंड हमारा स्कैनर पावर ऑफ प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग फ्राइडे को हमें टोटल 5 स्टॉक्स मिले थे। ऑल 5 स्टॉक्स जो थे हमें सेल साइड के लिए मिले थे। सो आइए हम चेक कर लेते हैं इनकी परफॉर्मेंस कैसी रही है। ये आप देख पा रहे हैं, सन टीवी का हमारा स्टॉक मिला था जो कि हमें सेल साइड के लिए मिला था। इसके अलावा आइसर मोटर हमें सेल साइड के लिए मिला था, और कुछ स्टॉक्स और थे जो कि मैंने आपको अपसाइड पर दिखाया जो हमें सेल साइड के लिए मिले थे, जैसे कि आई बुल्स हाउसिंग, इंडिया बुल्स हाउसिंग, श्री राम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस एंड भारत फोर्ज, ये हमें सेल साइड के लिए स्टॉक्स मिले थे। सो आइए इनकी हम परफॉर्मेंस देखते हैं चार्ट पर। फर्स्ट आपकी स्क्रीन पर नज़र आ रहा है आइसर मोटर का चार्ट। आइसर मोटर का 5 मिनट टाइम फ्रेम का मैंने चार्ट लगाया हुआ है। अब इसमें एंट्री हमारी कहाँ पर थी फ्रेंड्स, ये हमारी मार्किंग लाइन है, ये हमारी एंट्री आप देख पा रहे हैं। जब इसके नीचे 5 मिनट की कैंडल क्लोजिंग देती है तो हम एंट्री करते हैं, और इसमें हमें फर्स्ट कैंडल में ही एंट्री मिली थी। ये फर्स्ट कैंडल है हमारी। सो इसमें दो प्रकार की एंट्री हम कर सकते हैं, एक तो फर्स्ट कैंडल में ही अगर इसके नीचे क्लोजिंग मिलती है हमें हमारी मार्किंग लाइन के नीचे तो हम एंट्री लेते हैं, इसके अलावा स्टॉक जब प्राइस एक्शन बना करके नीचे आता है तो भी हम एंट्री लेते हैं। सो यहाँ पर हमें फर्स्ट कैंडल में एंट्री मिली, और एंट्री मिलने के बाद थर्ड कैंडल में हमारा इसमें माइनर सा स्टॉप लॉस, ये हमारा स्टॉप लॉस था, माइनर सा स्टॉप लॉस हिट हुआ। नेक्स्ट हम चलते हैं आई बुल्स हाउसिंग की तरफ। इंडिया बुल्स हाउसिंग में आप देखेंगे तो इसमें जो हमारी एंट्री बन रही थी ये हमारी मार्किंग लाइन है, जो हॉरिजॉन्टल लाइन आपको नज़र आ रही है, एंड इसमें हमें एंट्री मिली थी इस वाली कैंडल में। फ्रेंड्स मैं बड़ा कर देता हूँ, सो जूम करने के बाद आपको क्लियर नज़र आ रहा होगा, ये वाली जो कैंडल थी हमारी, इसने 5 मिनट टाइम फ्रेम में हमारी मार्किंग लाइन के नीचे क्लोजिंग दी थी, 9:20 वाली कैंडल, और इसमें 1:1 का टारगेट हमें अचीव होता हुआ दिखाई दे रहा है। हमें इसमें 1:1 का टारगेट अचीव हुआ है, 9:30 वाली कैंडल पर हमारा टारगेट इसमें अचीव हुआ है। उसके बाद फिर प्राइस जो है बाइंग प्रेशर के साथ ऊपर गया है, और क्लोजिंग आप देख पा रहे हैं हमारे एंट्री लेवल के आसपास ही इसकी क्लोजिंग हुई है। देन हम आते हैं भारत फोर्ज पर। भारत फोर्ज की परफॉर्मेंस आपकी स्क्रीन पर आ रही है। इसमें आप देखिए, इसमें हमें जो एंट्री मिली थी ये प्रीवियस डे की लास्ट 3:25 वाली कैंडल है, इसकी क्लोजिंग पर हमने मार्किंग करी हुई थी, और इसमें जो एंट्री मिली है हमें इस वाली कैंडल पर, देखिए प्राइस एक्शन बनने के बाद यहाँ से प्राइस ऊपर गया है और प्रेशर के साथ फिर प्राइस नीचे आया है, यहाँ पर हमें एंट्री मिली थी। एंड इसमें आप देखेंगे तो इस वाले हाई ने, ये जो स्विंग हाई बना है यहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस भारत फोर्ज में हिट हुआ है, एंड उसके बाद फिर प्रेशर के साथ स्टॉक नीचे आया है, बट हमारा स्टॉप लॉस हिट होने के बाद प्रेशर के साथ स्टॉप लॉस नीचे आया है, स्टॉप लॉस हिट होने के बाद प्रेशर के साथ स्टॉक नीचे आया है, आई एम सॉरी। देन अगला स्टॉक आपकी स्क्रीन पर नज़र आ रहा है श्रीराम ट्रांसपोर्ट का। श्रीराम ट्रांसपोर्ट में ओपनिंग से ही लगातार प्रेशर रहा है फ्रेंड्स, ये हमारी मार्किंग लाइन थी और ओपनिंग से ही कंटिन्यूसली आज प्रेशर देखने के लिए मिला है श्रीराम ट्रांसपोर्ट में। यहाँ पर हमें एंट्री मिली, एंट्री मिलने के बाद क्लोजिंग जो है हमारी एंट्री से नीचे हुई है, यानी इसमें माइनर प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट तो हो रहा है बट माइनर प्रॉफिट हमें इसमें मिला है। सन टीवी की बात करें तो सन टीवी में देखिए आपकी स्क्रीन पर, यहाँ पर ये जो रिस्क रिवॉर्ड का रेशियो नज़र आ रहा है इसको आप देखेंगे तो यहाँ 2 एंट्री बनी थी सन टीवी में। फर्स्ट एंट्री जो बनी थी ये हमारी मार्किंग लाइन है, पहली कैंडल में ही हमारी एंट्री बन गई थी, यहाँ पर हमें एंट्री मिली थी, और दूसरी जो एंट्री मिली है सेकेंड एंट्री, वो सेकेंड एंट्री मिली है हमें प्राइस एक्शन बनने के बाद। ये प्राइस ऊपर गया है, यहाँ से फिर वापस से प्राइस नीचे आया है, तो मैंने जैसा कि बताया आपको आइसर मोटर के एनालिसिस में कि प्राइस हमारी एंट्री जो है दो प्रकार से हम कर सकते हैं। फर्स्ट एंट्री होती है कि मान लीजिए पहली कैंडल ही नीचे हमारे मार्किंग लाइन के नीचे क्लोजिंग देती है तो भी हम एंट्री ले सकते हैं। सो अगर कुछ लोगों ने यहाँ पर एंट्री ली होगी तो उनका स्टॉप लॉस यहाँ पर हिट हुआ है, बट अगर जिन लोगों ने यहाँ पर एंट्री ली होगी या जिन्होंने दोबारा री एंटर किया होगा, हमारी ट्रेनिंग वीडियो में ये मेथड भी बताया गया है, सो जिन्होंने इस अकॉर्डिंग एंट्री ली होगी तो उनकी एंट्री यहाँ पर बनी होगी इस वाले लेवल पर, और इस पर भी 1:1 का टारगेट अचीव होता हुआ नज़र आ रहा है। तो इस प्रकार से मिला जुला हमारे स्कैनर का परफॉर्मेंस रहा है। सन टीवी और श्रीराम ट्रांसपोर्ट में जो है प्रॉफिट हुआ है, इसके बाद इसके अलावा इंडिया बुल्स हाउसिंग में प्रॉफिट हमें अचीव हुआ है, भारत फोर्ज और आइसर मोटर में हमारे SL हिट हुए हैं। सो फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने स्कैनर को नहीं लिया है, स्कैनर के विषय में जानकारी नहीं है आपको, तो डिस्क्रिप्शन में मैंने इसकी इन्फॉर्मेशन दे दी है, अपने व्हाट्सएप नंबर की लिंक दे दी है, वहाँ से आप जाकर के हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और इस स्कैनर की जानकारी ले सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।